समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जा रही है, कोर्ट के अंदर खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है, सरकार ने खुली छूट दे रखी है, जहां चाहो वहां मारो, यही है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। वहीं उन्होंने कहा कि क्या पता आप लोग में ही कोई यहां बैठा हो जो गोली मार दे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने डीजीपी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार यूपी में कार्यवाहक डीजीपी ही क्यों, इसका मतलब क्या होता है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे ज्यादा लखनऊ और नोएडा में महिलाएं असुरक्षित हैं। 5 महीने के अंदर नोएडा में 88 दुष्कर्म हुए, वहीं राजधानी लखनऊ के सीसीटीवी में कई आपराधिक घटनाएं सामने आती हैं। वहीं बस्ती में महिला वकील का घर के बाहर कत्ल कर दिया गया, जिसकी एफआईआर लिखने के लिए धरना चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर क्या था? लॉ एंड ऑर्डर ये था, क्या ये कल्पना कर सकते, दिल्ली के बगल में 5 महीने में रेप 88 केसेस, किस सेक्टर में कितने अखबार लिख रहा है? क्या लखनऊ में सीसीटीवी पर नहीं डेली मिलती घटनाएं आपको? पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा इसे, कानून चलेगा इसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है, जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एफआईआर और जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। यहां आकर के जहर खाएं, सोचिए, यहां पीछे सड़क पर। ये लॉ एंड ऑर्डर है, गुंडागर्दी ऑर्डर नहीं हो सकती। लॉ एंड ऑर्डर, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देखें अगर, तो सबसे पहले पीछे मुड़ के ये देखना चाहिए कि आखिरकार लगातार कार्यवाहक डीजीपी क्यों है उत्तर प्रदेश में। एक कार्यवाहक डीजीपी रिटायर हो गए, दूसरे कार्यवाहक डीजीपी वो रिटायर हो गए, तो तीसरे कार्यवाहक डीजीपी, और लगातार कार्यवाहक डीजीपी होने का मतलब क्या है? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं क्या? और फिर सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं महिलाएं और बेटियां हैं तो वो लखनऊ में है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। हर दिन हमें खबरें मिलती हैं। अब मैं अगर खबरें ये वो हैं जो दिखा सकते हैं आपको, आज की अगर हम दिखाएं पूरे लखनऊ की या पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें, तो इतनी खबरें देखने को मिलती हैं। अभी नोएडा की खबर मैं पढ़ रहा था जो बिल्कुल दिल्ली के करीब है, क्या पिछले कुछ दिनों में कितनी घटनाएं हुई है महिलाओं को लेकर के। कानपुर में किशोरी से किया दुष्कर्म, आप खुद जानते हैं। आप बेटी से दुष्कर्म, पति का सुसाइड। कल रात को बस्ती का धरना चल रहा था, जब मैं लौट करके आया कार्यक्रम में तो मुझे किसी ने जानकारी दी कि बस्ती में एफआईआर लिखाने के लिए, पकड़े जाने के लिए पूरी जनता सड़कों पर है, महिलाएं बड़े पैमाने पर सड़कों पर हैं। और नोएडा की खबर तो बाद में बताऊं मैं, महिला वकील का घर के बाहर ही मर्डर हो गया। सरकार अब पता नहीं अपना पक्ष क्या बताएगी। इसी तरह नोएडा की मैं खबर ढूंढ रहा हूं, 5 महीनों में रेप के 88 केस, हर दूसरे दिन हुई वारदात। क्या ये वही उत्तर प्रदेश है?